हेलो, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान और आप देख रहे हैं एबी प्रोडक्शन टीवी। नाज़रीन कराम, डॉग्स इंसान के सबसे वफादार पेट्स होते हैं और दुनिया में ज़्यादातर लोग इन्हें पसंद करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम आपको दुनिया के कुछ खतरनाक डॉग्स के बारे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर सिक्स पर आता है एकिटा। दोस्तों, ये जापानी ब्रीड का डॉग है जो साइज में बहुत बड़ा होता है और ये बहुत ज़िद्दी फितरत के होते हैं। बहुत से इंश्योरेंस कंपनियों ने इसके अटैक ट्रीटमेंट को बैन किया हुआ है। ये कुत्तों की तीसरी सबसे बड़ी नस्ल है जो लोगों को बिना किसी वजह से काट लेते हैं। दोस्तों, ये डॉग्स बहुत से जख्मों और अमवात का बाइस बनते हैं, इसलिए इनको कई ममालिक में बैन भी किया हुआ है। नंबर फाइव पर आता है बॉक्सर। दोस्तों, ये डॉग्स जर्मनी से हैं और ये मीडियम साइज़ के होते हैं और इनका वेट 71 पाउंड्स तक होता है। इन डॉग्स को डॉग्स फाइटिंग और हंटिंग यानी शिकार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ज़्यादा फुर्ती और शिकार करने की ख्वाहिश इनको बच्चों के लिए ख़तरनाक बनाती है। ये भी बहुत से जख्मों और अमवात का सबब बन चुके हैं, जिसकी वजह से इन डॉग्स को भी कई ममालिक में बैन किया गया है। नंबर फोर पर आता है चाओ चाओ। दोस्तों, इसके नेम से ही आपको पता चल गया होगा, ये एक नॉर्दर्न चाइना ब्रीड का डॉग है और ये लॉयन की तरह नज़र आता है, जो इसको और ज़्यादा ख़तरनाक बनाता है। तसव्वुर किया जाता है कि ये डॉग्स की कदीम नस्लों में से है। इन डॉग्स को शिकार करने और हिफाजत करने के लिए पाला जाता था। ये डॉग्स आज भी पालतू पेट्स की तरह पाले जाते हैं, लेकिन ये गुस्सा आने पर फौरन हमला आवर हो जाते हैं और जख्मों और मौत का सबब बनते हैं, जिस वजह से इनको कई ममालिक में बैन किया गया है। नंबर थ्री पर आता है अलास्कन मैल्यूमेट। दोस्तों, ये अलास्कन ब्रीड का डॉग है जो साइज में काफ़ी बड़े होते हैं और जैसा आप देख रहे हैं, ये वॉल्फ की तरह नज़र आते हैं। ये डॉग्स भी आज तक बहुत से लोगों की जान ले चुके हैं, जिस वजह से इनको भी कई ममालिक में बैन किया गया है। नंबर टू पर आता है साइबेरियन हस्की। दोस्तों, ये नॉर्दर्न एशिया की ब्रीड का डॉग है जो मीडियम साइज का होता है और दिखने में बिल्कुल वॉल्फ यानी भेड़िए की तरह नजर आता है और बिल्कुल उसी की तरह आवाज भी निकाल सकता है। ये अलास्कन मैल्यूमेट से बहुत सिमिलर है, मगर दोनों की ब्रीड अलग अलग है। ये बर्फानी इलाकों में पाया जाता है और ये बहुत एग्रेसिव होते हैं, जो गुस्सा आने पर अटैक कर किसी की जान भी ले सकते हैं, जिस वजह से इनको कई ममालिक में बैन किया गया है और इनको पालने पर पाबंदी आयद की गई है। नंबर वन पर आता है अमेरिकन पिटबुल टेरियर। दोस्तों, ये एक अमेरिकन ब्रीड का डॉग है और ये दिखने में भी बहुत ज़्यादा डेडली नज़र आता है। यूरोप के 12 ममालिक में इस पर पाबंदी आयद कर दी गई है और ऑस्ट्रेलिया की बहुत सी रियासतों में इसको बैन भी किया गया है और इस डॉग्स को पालना जुर्म करार दिया है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं आपसे मिलूंगा फिर किसी न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।